बार आता है, पर ये भी सच है कि हर शिकार के पीछे भागने का कोई फायदा भी नहीं। एक मादा गिनी सिर्फ एक छोटा सा निवाला है और उसमें पंखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मादा गिनी की बदौलत सुस्ता रही शेरनियों को पूरे झुंड की भूख मिटाने का एक मौका नजर आया है। ज़ेब्रास एकदम सही दूरी पर है और उन्होंने अब तक अपने आसपास मौजूद खतरे को नहीं देखा है। शेरनियों को भूख लगी है और हवा का रुख भी उनकी ही तरफ है, इसलिए सही वक्त आने से पहले शिकार को उनकी गंध भी नहीं मिलेगी। हालात एकदम ठीक है, ये पहले पर्व की शुरुआत करती है सही शिकार चुनने से। ये सबसे कमजोर जानवर की तलाश करती है या किसी घायल जानवर की। शेरनियां एक दूसरे को अपनी जगह लेने का इशारा करने के लिए कोई आवाज नहीं करती, वो अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए अपने आप आगे बढ़ती हैं। हर मौका आने पर ये झुंड सही या गलत जगह पर होता है। इस बार ये बड़े इलाके में फैलकर आराम कर रही थी और इनके बीच की दूरी की वजह से ज़ेब्रास पता नहीं लगा पाए कि वो शेरनियों की तरफ बढ़ रहे हैं। शिकार अब पूरी तरह से घेर चुका है, पर पता नहीं ये इनकी किस्मत थी या इसलिए कि ये शिकारी हमेशा ऐसे ही आराम करती है। और अगर ऐसा है तो वो इसे कामयाबी समझने लगी है, पर उन्होंने इसकी कोई योजना नहीं बनाई थी। अक्सर सबसे ज्यादा अनुभवी शेरनी ही शिकार को चुनती है, बाकी शेरनियां उसकी मदद करती हैं, पर कभी कभी सबसे अच्छी जगह पर मौजूद शेरनी हमला करती है। शिकारियों को अक्सर पैंतरा बदलना पड़ता है। हो सकता है वो किसी एक शिकार को भी न चुन पाए क्योंकि ज़ेब्रा की धारियां उन्हें उलझन में डाल देती हैं। शायद ये पूरे झुंड पर हमला करेंगे और उस अफरा तफरी में जो होगा शेरनियां उसके हिसाब से फैसला लेंगी। ये वो शेरनी है जो हमले की शुरुआत करेगी। अब इसे सही पल का इंतजार करना होगा। जब इसका शिकार दूसरी दिशा में देख रहा हो या खाना खाने या खेलने के लिए उसका ध्यान भटक जाए, जिससे उसकी नजर शिकारी पर से हट जाएगी। सिर्फ कुछ सेकंड्स और। जब इसे लगता है कि ये कामयाब हो सकती है तो ये खतरा उठाते हुए हमला कर देती है। इस बार ज़ेब्रास इससे ज्यादा गलत दिशा में नहीं भाग सकते थे। वो हमलावर से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन बाकी शेरनियां ठीक इनके बच निकलने के रास्ते के बीच में है। ज़ेब्रास रास्ते में ही रुक जाते हैं और उनके शिकारी भी। ना शिकार और ना ही शिकारी को पता है कि क्या करें। ये फैसला लेने के लिए एक दूसरे की प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। वो सभी घबराए हुए हैं, लेकिन ये चौकन्ना रहने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। जिंदा बच निकलने में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे कम उम्र की शेरनी हमला करने की अपनी चाहत को रोक नहीं पाती, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से इन्हें अपना शिकार गंवाना पड़ सकता है।
में शिकार करने पर शेरों की कामयाबी की दर सिर्फ 20% है, क्योंकि ऐसे हालात में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिससे शिकार उनके हाथ से निकल जाए।